अपनी बाइबल को खोलो सज्जन और तैयार रहो क्योंकि आज वर्ड्स ज्यादा हैं, आपको जल्दी जल्दी उन्हें खोलना है और पढ़ना है। दूसरा तिमोथियस 4 उसकी 15, दूसरा तिमोथियस 2 उसकी 15, आपने इसको लिखते जाना है और बाद में मैं इन्हें पढ़ूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। भजन संहिता 36 उसकी 9, भजन संहिता 119 उसकी 162, आप इसको लिखते जाएंगे अभी। सबोपदेशक 11 उसकी 7 आयत, सबोपदेशक 2 उसकी 13 आयत, प्रेरितों के काम 19 उसकी 20 आयत, लूका की 14 उसकी 15 आयत। और अभी कुछ वर्ड मैंने आपको बोले नहीं, वो मैं आपको लाइव खोल के उनको पढ़ूंगा और बताऊंगा। आपको पिछले हफ्ते का वचन याद है कि नहीं? हाँ, दीना की संगति लिखा गलत व्यक्ति के व्यक्तियों के साथ थी और उसके साथ एक गलत घटना घटी, हाँ या ना? दूसरा तिमोथियस 2 उसकी 15 और लूका 14, आप इन सब वचनों को घर जाके पढ़ेंगे और जितने इनको मैं पढ़ पाऊंगा मैं इनको पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। उसमें लिखा उसके साथ भोज करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उनसे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाता है या खाएगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ से आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है, परंतु वे सबके साथ क्षमा मांगने लगे। पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया, अवश्य है कि उसे देखूं। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल लिए हैं, मैं उन्हें परखने जाता हूं। तीसरे ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक आपकी संगति गलत लोगों के साथ है आप परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पे कभी नहीं पहुंच सकते। कहा था कि नहीं कहा था? और बाइबल कहती है दीना की संगति अविश्वासियों के साथ होने के कारण उसके साथ रेप हुआ, गलत हुआ और उसके पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि आपके दोस्त अगर गलत हैं आप सही जगह पे सही मंजिल पे कभी नहीं पहुंच सकते। और यहां पे एक बंदे का जिक्र है, उसने कहा आज जो आप एक पॉइंट जो आपने लिखना है वो लिखना है ग्रेस, लिखो ग्रेस। पहला आपका पॉइंट था कि गलत संगति आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, लिखा कि नहीं लिखा? भयानक काम आपने करने, लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, अपनी लीडरशिप पे भरोसा रखना है क्योंकि पत्रस और आंद्रियास अपने से छोटे उम्र में छोटे प्रभु यीशु मसीह पे पूरा भरोसा रख के उस काम को कर पाए। अपने फ्रेंड्स को ध्यान से चुनना, निर्बलताइयों पर घमंड करना और सही जगह के ऊपर बोना, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। इस हफ्ते अगला पॉइंट है ग्रेस। अपने पड़ोसी को बोलो अनुग्रह। अनुग्रह अगर आपके लाइफ के ऊपर नहीं है, क्योंकि अनुग्रह एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आप पे रिलीज की जाती है जिससे आपकी लाइफ आसान होती। ये अनुग्रह एक पास्टर के ऊपर भी रिलीज किया जाता है, एक सिंगर के ऊपर रिलीज किया जाता है, एक विश्वासी के ऊपर रिलीज किया जाता है, एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन के ऊपर भी रिलीज किया जाता है। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया वो काम वो नहीं कर सकता तब तक अच्छी तरह से जब तक उस काम को करने का अनुग्रह उसकी जिंदगी पे ना आए तो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये अनुग्रह वही बंदे समझ सकते हैं जिनको प्रचारक के रूप में बुलाया गया लेकिन वो प्रचार करने से डरते थे, घबराते थे, हाथ पांव फूल जाते थे, माइक नहीं पकड़ होता था क्योंकि वो ग्रेस अभी रिलीज नहीं हुई थी। और जैसे ही वो ग्रेस रिलीज हुई आज सब कुछ हो रहा है। आमीन। ग्रेस के बिना आप कहीं पहुंच नहीं सकते, अनुग्रह के बिना आप कहीं पहुंच नहीं सकते। इसीलिए हर पत्री की शुरुआत में लिखा कि परमपिता परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। आमीन। अनुग्रह कैसे मिलता है आपको?
बाइबल कहती है एक राजा ने भोज दिया और अपने लोगों को बुलाया और कुछ लोग पहला बोलने लगा मेरा मैंने एक जमीन मोल लिए मैं वहां देखने जाता हूँ, दूसरा कहता मेरे मैंने 5 जोड़े बैल लिए मैं परखने जाता हूँ, तीसरा बोलता मेरी शादी हुई है मैं वहां पे हूं। उन लोगों के ऊपर एक अनुग्रह हुआ था राजा का, पर उन्होंने उस अनुग्रह का अपमान किया और राजा का साथ छोड़ा। और बाइबल कहती फिर राजा ने कहा अंधो लूलो और लंगड़ों को बुलाओ ताकि मेरा घर जो है वो भर जाए। जब मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप एक विश्वासी हो और आपकी लाइफ में अविश्वासी दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं जो नशा करते हैं, आपको 2-3 बार वचन आपने समझा दिया फिर भी वो समझते नहीं, आपकी अविश्वासी लोगों के साथ संगति है, आप अपनी जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते क्योंकि जैसी आपकी संगति वैसी आपकी रंगती होती। इसमें जब तीसरा पॉइंट आया कहता मैंने शादी की, शादी का मतलब रिलेशनशिप्स। अब आप ये बात बताओ अगर उसकी वाइफ को ये तो मालूम होगा कि ये राजा के अंडर आता है, कि ये राजा का कर्मचारी है। कोई भी अच्छी वाइफ अपने हस्बैंड को अपने बॉस से, अपने पास्टर से, अपने अगुए से, अपने बॉस से, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, उससे कभी भी दूर नहीं करती। पर इस वाइफ ने उसको जाने से रोका और उसने कहा मेरी शादी हुई है और इसलिए मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना जरूरी है। इसका मतलब रॉन्ग रिलेशनशिप्स, गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप, गलत लोगों के साथ संबंध, गलत लोगों के साथ संगति जब आपकी लाइफ में होती है, आप उस अनुग्रह को गवा बैठते हो जो राजा ने, यहोवा ने, यीशु मसीह ने आपकी लाइफ के ऊपर आपको दिया। आमीन। उसके ऊपर अनुग्रह था कि राजा के पास वो जा सकता था, राजा का आमंत्रित किया हुआ व्यक्ति था, राजा को जानता था, यह उसके ऊपर एक अनुग्रह था। और बिना अनुग्रह आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और अनुग्रह गवाने में टाइम नहीं लगता। और बाइबल कहती उसने कहा मेरी शादी हुई। कोई भी भली वाइफ आपको परमेश्वर में चलने से रोकेगी नहीं, आपको प्रेयर करने से रोकेगी नहीं, आपको बोने से रोकेगी नहीं। अगर आपका दोस्त, आपका पक्का दोस्त, आप जैसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हो और 2 घंटे उसके साथ बैठने के बाद आपका ब्लू फिल्म देखने को दिल कर रहा है, वो आपका पक्का दोस्त नहीं है, वो शैतान का पक्का दोस्त है। 4 घंटे उस सहेली से मिलने के बाद आपका भी ध्यान जो है वो फिल्मों की तरफ हो रहा है, इसका मतलब वो संगति जो है आपकी ग्रेस को खत्म करने के लिए है, आपके अनुग्रह को खत्म करने के लिए है जो परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर उंडेलना चाहते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। जब रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग रिलेशनशिप, गलत संगतियां हमारी लाइफ में आती तो वो अनुग्रह जो परमेश्वर का हमारी लाइफ के ऊपर होता है वो जाता है। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको सही अनुग्रह दे और आपको सही संगति दे कि आप आगे बढ़ सकें। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तिमिथियुस से कि जब तेरा ध्यान इन वचनों के ऊपर लगेगा, तेरा प्रॉफिट, तेरी उन्नति सब लोगों के ऊपर प्रकट की जाए। इसका मतलब अगर आप इन बोले गए वचनों के ऊपर चलते हैं, अगर आप इन बताए गए वचनों के ऊपर चलते हैं, अगर आपका ध्यान वचनों के ऊपर है, तो बाइबल कहती आपका उन्नति जो है, आपका आपका प्रॉफिट जो है, आपकी बेहतरी जो है, आपकी ब्लेसिंग जो है, वो दूसरों के ऊपर प्रकट होगी क्योंकि वो आपको आपको मिलेगी, वो इसलिए प्रकट होगी। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो अपनी संगति को सही रख, ऊंची आवाज में बोलो, बोलो जैसी तेरी संगति है वैसा तेरा रिजल्ट होने वाला है। आमीन। आप तैयार हैं सही संगति को रखने के लिए? भजन संहिता 36 उसकी 9 में लिखा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अगर आपका बिजनेस फेल है तो आपके पास जीवन नहीं है, आपकी आपके बिजनेस में लाइफ नहीं है। आपकी रिलेशनशिप फेल है, घर में सब फेल है, बाप इधर है, माँ उधर है, बेटी उधर है, बेटा पीछे, 4 दिशाओं की ओर 4 लोग देख रहे हैं, इसका मतलब आपके रिलेशनशिप्स में, आपके घर में प्रकाश नहीं। बाइबल कहती उसने कहा मैं तेरे प्रकाश के द्वारा खुद प्रकाश पाऊंगा। और अगर आपके पास परमेश्वर का प्रकाश ही नहीं है, और किसे प्रकाश बोलते हैं आप? वचन परमेश्वर का प्रकाश है, लिखा वचन ही ज्योति, और ये ज्योति परमेश्वर के, परमेश्वर ने मनुष्यों के पास भेजी, यही ज्योति देह धारण करके पृथ्वी पे आई, और ज्योति वचन है, लिखा तेरे वचनों के द्वारा मैं प्रकाश पाऊंगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है।
वो आपकी लाइफ में हो, आपके बिजनेस में हो, आपकी बॉडी के अंदर हो, अगर आप वचनों को पढ़ना शुरू कर दें, इम्पॉसिबल है कि आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है कि आप गरीब रहें, इम्पॉसिबल है कि आप डिप्रेशन में रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया के हर डिप्रेशन के मरीज को चर्च में ले आओ। मैं नहीं कह रहा 99%, मैं कह रहा हूं हर एक डिप्रेशन का मरीज चर्च में ले आओ, अगर वो वचन पढ़ना शुरू कर देगा 100 के 100 डिप्रेशन से आजाद होंगे, 100 के 100। डॉक्टर थक जाए, दवाइयां थक जाए, काउंसलिंग थक जाए, साइकेट्रिस्ट थक जाए, मैं कह रहा हूं सब थक जाए, वचन पढ़ाना शुरू कर दो, 100 के 100 चंगे होके खड़े हो जाएंगे आपके सामने। उसमें लिखा जीवन का सोता तेरे पास है और तेरे वचनों के द्वारा, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 119 जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है बाइबल का, और उसकी 162 आयत में लिखा, कहता है जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के द्वारा हर्षित। जो कुछ भी शैतान ने आपका लूटा, आप वचन के द्वारा उसे वापस ले सकते हो। वो आपकी सेहत क्यों ना हो, वो आपका फाइनेंस क्यों ना हो, कहते जैसे कोई बड़ी लूट पाके खुश होते हैं कि मुझे इतना सारा लूटने को। ये पुराने नियम की बातें, तब वो लूट चलती थी कि राजा दूसरे राजा को मारते थे, उसकी चीजें ले लेते थे, लेकिन इस वचन से आत्मिक मैसेज को समझने की जरूरत है। उसने कहा जैसे वो लूट पाके कोई हर्षित होता है, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। और ये कोई इमोशनल बात नहीं लिखी, जब आप रियल वर्ड फॉलोअर बन जाओगे आपको लूट मिलने वाली, जो शैतान आपसे छीन के लेके गया, और जी जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते आपकी लाइफ के अंदर होंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो जाओ। आप मेरी बात को शायद समझे नहीं, आप मेरी बात को शायद समझे नहीं जो मैंने कहा। मैंने कहा जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित खुश होता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा, आपको समझ आ रही क्या? कहता जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, आनंदित खुश होता है, भंगड़ा डालता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण खुश हूं। इमोशनल नहीं है ये इमोशनल बात नहीं है कि मैं इमोशनली खुश हूं। रियल आपको वो चीजें मिलने वाली है जिसके आप काबिल नहीं हो, जिसके आप डिजर्व नहीं करते ऐसे स्थानों पर बैठना, पर आपको मिलने वाला है वचन के कारण। आप डिजर्व नहीं करते हो, मैं डिजर्व नहीं करता हूं। सुनो, मोर्दके कहता एस्तर से, कहता एस्तर अब टाइम है, तूने अपनी जाति को बचाना है, अगर तू ना बचाएगी तो खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। कहता अगर तू ना काम करेगी ना, खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। प्रभु के भवन में कभी कहीं किसी ड्यूटी में कभी सोच के मत खड़े होगी अगर मैं नहीं होऊंगा तो काम नहीं होगा, अगर तू नहीं होगा या होगी तो उससे अच्छे होंगे आने वाले दिनों में। और हमेशा आपसे बेटर बंदे जब आप छोड़ते हैं कुछ, आपको आपकी जगह ज्वाइन करते हैं, आपसे अच्छे, आपसे बेटर, हमेशा ऐसा होता है। कभी घमंड ना करो अपनी ड्यूटी का, क्योंकि आपसे बेटर ऑप्शन परमेश्वर को मालूम है। कहता कोई बड़ी लूट पाके जैसे हर्षित होता है, आनंदित होता है, खुश होता है, कहता मैं वचन के कारण ऐसे आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि वचन आपको वो देगा जिसके आप लायक नहीं हो। आपके रिश्ते बेस्ट होंगे, आपकी लाइफ बेस्ट होगी, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपका सीड बेस्ट होगा। आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची, हालेलुया। जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होते हैं। सैड बात ये है, आप लोगों ने वचन नहीं पढ़ा होगा, कल परसों नहीं पढ़ा होगा। आपको लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, हां बाइबल च वधिया गल्ला लिखी है। ये एक वो पुस्तक नहीं जैसे आप एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ो, ये वो वर्ड है लिखा जिस पर जीवन का सांस फूका गया। जो सांस आदम के अंदर फूका था और वो जीवित हो गया था, वो सांसों के द्वारा ये आपकी बाइबल लिखी गई। और जब आप इन्हें पढ़ते हो, आप सेम लाइफ फील करते हो जो आदम के अंदर गई थी।
सेम लाइफ जो आदम के अंदर गई थी, आप जब वर्ड पढ़ते हो सेम लाइफ आपके अंदर जाती है। आपका अंग मरा हो अंदर वो जी उठेगा। इसीलिए जब लोग यहां बैठे होते और बोलते हैं कि मेरे कुछ हुआ और मैं बाथरूम गई और मेरे यूट्रस से रसौली बाहर आ गई, क्यों? जब सांस फूका गया वचन आपके अंदर जाएगा, वो कुछ करेगा। आपकी आंख मरी है, वो आंख मरी नहीं रहेगी। आपकी टांगे मरी है, वो मरी नहीं रहेगी। आप हाथ रखोगे और वर्ड पढ़ोगे और वर्ड काम करेगा। लिखा जैसे कि बड़ी लूट पाके खुश होते हैं, मैं उसके वचन के द्वारा खुश हूं। जिन चीजों को आप डिजर्व नहीं करते हो, आप उस जगह अपने आप को बैठा पाओगे। मैं आप सबको बोल रहा हूं और ये प्रोफेसी है। मैं हैरान हूं कैसे यूथ व्यभिचार में पड़ जाते हैं और उसे मालूम नहीं कितनी बड़ी चीज गवाई है उन्होंने, पाई नहीं। अपने शरीर को जीतना और वचन पे खड़े रहना। लिखा आप उन जगहों पे पहुंचेंगे जहां जिस जगहों के आप काबिल नहीं हो। आप वहां होंगे, आप बोलेंगे मैं इस जगह काबिल नहीं हूं, हां, लेकिन प्रभु ने अपने वचन के कारण कि मैं उसके वचन पे खड़ा रहा, उसकी पवित्रताई पे खड़ा रहा और आज मैं स्थान के ऊपर हूं। आमीन। मैं जो एक समय पागल था, आज डॉक्टर मुझे सुनने के लिए आए। हां, क्या बोल सकते हो? तो डॉक्टर क्यों सुनने आएंगे मेरे को? अगर वर्ड मेरे अंदर है तो सुनने आएंगे। आमीन। नीति वचन एक, उसकी एक आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसा करना चाहता हूं कि आप खाना खाना भूल जाएं, बाइबल पढ़नी ना भूले रोज। अब हां, आप खाना भूल सकते हैं, बाइबल नहीं भूल सकते। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। कौन सी बुद्धि? ये वो शैतानी बुद्धि नहीं, हां, झूठ बोलने वाली बुद्धि नहीं। ये वो बुद्धि है जो एक विश्वासी के अंदर होती, और ये उस विश्वासी के अंदर होती है जिसने वचन पढ़ा हो, जिसको वचन की नॉलेज हो। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा तुम्हें याद करवाएगा तुमने क्या बोलने हैं, पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर में से बोलेगा, हा या ना? लेकिन जो वचन आपने पढ़ा नहीं, पवित्र आत्मा उसको आपको याद नहीं करवा सकता। यीशु मसीह को फंसाने के लिए लोग उसके पास आते थे और उसको बोलते थे, अच्छा यीशु मसीह हमें बताइए, हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर यीशु मसीह बोलते देना चाहिए तो इसराइली सारे निराश हो जाते, नाराज हो जाते प्रभु से कि प्रभु तू इसराइली होके रोमियो की तरफ है जो हमारे ऊपर अंतों का कर्जे का और टैक्स का बोझ डालते हैं। अगर यीशु मसीह कहते नहीं देना चाहिए तो वो चुगली खाते राजा को कि देख यीशु मसीह राजा के खिलाफ लोगों को भड़का रहे, सरकार के खिलाफ कर रहे। यीशु मसीह ने कहा सिक्का मुझे दो, सिक्का दिया, ये किसकी मूर्ति है सिक्के पे? कैसर की, राजा की। यीशु मसीह कहते जो राजा का है वो राजा को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। ये बुद्धि का वरदान था। कौन सा? और यीशु मसीह ने उनको फिर फंसाया। यीशु मसीह ने कहा तुम बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, क्या स्वर्ग से था या मनुष्यों से था? यानी यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था क्या प्रभु की मर्जी से देता था या अपनी मर्जी से देता था? अब अगर लोग ये बोलते कि अगर वो बोलते लोगों के सामने फरीसी सदूकी कि प्रभु की मर्जी से था तो भी वो फंसते कि तुमने फिर विश्वास क्यों नहीं किया उसका। अगर वो ये कहते कि नहीं प्रभु की ओर से नहीं था तो भी लोग उनके खिलाफ हो जाते क्योंकि लोग ये जानते थे कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से था। इसे बुद्धि का वरदान बोलते हैं। मैं उस बुद्धि की बात कर रहा हूं। आपको लोग फंसाने आएंगे, आप हां बोलेंगे मरेंगे, ना बोलेंगे मरेंगे। तब हां या ना नहीं वचन चलने वाला है। हां, क्या वो शैतान है? क्या वो शैतान है? अगर हां करोगे तो क्यों?
मरोगे, ना करोगे तो। हर एक चीज जो बाइबल के वचनों के खिलाफ चलने के लिए बोले वो शैतान है। हा, समझ रहे मेरी बात के नहीं? आप हां करोगे मरोगे, ना करोगे मरोगे, अगर वर्ड आपके अंदर होगा तो आप जियोगे। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, तुम रोटी से जीवित नहीं रहते हो, उसके वचन से जीवित रहते हो। अब यीशु मसीह को पकड़ लेते, वो राजा के पास भेजते, तो यीशु मसीह उस टाइम फिर वचन से जिंदा रहा कि रोटी से रहा? और ये वर्ड बड़ी हैरानी की बात है, आज कलीसिया की लाइफ में नहीं। आपकी बाइबल और प्रार्थना इकट्ठी होनी चाहिए। आपकी प्रेयर बिना बाइबल रीडिंग के अधूरी है, पूरी नहीं। आपकी बाइबल रीडिंग उसके बाद बिना प्रार्थना के अधूरी। अकेली बाइबल रीडिंग फिर भी चल जाएगी, पर अकेली प्रार्थना नहीं चलेगी। हालेलुया। लिखा है इनके द्वारा पढ़ने वाला समझ की बातें समझे, बुद्धि और शिक्षा को पाए, काम करने की प्रवीणता विवेक को पाए। विवेक यूसुफ के अंदर था कि जिस मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, क्या उसकी पत्नी के साथ भी मैं गलत काम करूं? यह विवेक था, हा या ना? था कि नहीं था? बाइबल में कहीं नहीं लिखा था वे विचार नहीं करना, लेकिन विवेक बताता था कि यह गलत है। आप जब वचनों को पढ़ना शुरू करते हो, विवेक आपकी लाइफ में काम करना शुरू करता है। आपका विवेक, आपका कॉन्शियस, आपका अंदर वाला मन, वो निर्बलताइयों से छूट के मजबूत होना शुरू होता है। हालेलुया। अब रास्ते में आपको कोई चीज बड़ी मिल गई, हाँ मोबाइल मिल गया, किधर है किधर है, चलो छड्डो कोई नहीं, मैं तो पूछा सी किधर, कोई आया नहीं मेरे को, हाँ। और विवेक क्या कह रहा है? तू कोई क्या है? दोषी। हाँ, पर अगर तू सचमुच देना चाहे, 10 रुपए का बर्गर खाना हो ना नाले फेसबुक, वो फोन क्यों नहीं फेसबुक पे चढ़ा कि मुझे मिला है भाई ये वाला फोन, मुझे फोन करके ले लेना। हाँ नहीं, विवेक क्या है? निर्बल है। और धीरे धीरे निर्बल विवेक मरता है। अगर कमजोरी का इलाज ना करो लोग क्या करते हैं? मरते हैं। बीमारी का इलाज ना करो तो क्या करते हैं? मरते हैं। पर अगर इलाज कर दो तो वो जीते हैं, हाँ या ना? अपने विवेक को निर्बल होने से रोको। हालेलुया। आप आज आपका बेटा गलत कमाई आपके हाथ में रख रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका विवेक निर्बल हो चुका है। आप प्रभु के लिए दुख सहना नहीं चाहते हो, आपका विवेक निर्बल हो चुका है। और धीरे धीरे वो विवेक निर्बल होके मर जाएगा। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे, पहले विरोध करना शुरू किया, विरोध किया, अच्छे पास्टर्स का विरोध करते गए, बाद में मालूम हुआ अब शराब पीनी भी शुरू की, अब लड़कियों के साथ सोना शुरू किया। आपने मार दिया ना धीरे धीरे विवेक को, खत्म कर दिया। अब आपको कोई पाप लग नहीं रहा, अब हर चीज को बाइबल से घुमा के अब पेश कर रहे हो। कहते हैं इनको पढ़ने वाला विवेक पाएगा। एक जगह हम पहाड़ों पे घूम रहे थे और ऐसे हम आगे निकले और इधर हमने एक लेडीज को बैठे देखा, काफी लेडीज थी, मेरी वाइफ थी साथ और भी लोग थे, ऐसे 3-4 लेडीज बैठी, वो एक ही बेंच है पूरे पहाड़ के ऊपर। हम आगे निकल गए पैदल चलते चलते, मौसम अच्छा था, वापसी आके हम उसी बेंच पे बैठ गए और मुझे आईफोन मिला ब्रांड न्यू। और मैंने सबसे पूछा टीम से, मैं किसका है? कहते किसी का नहीं। मैंने कहा उन्हीं लेडीज का है जो यहां बैठी थी, उसको ढूंढ के दिया हमने वापस, खोज पड़ताल की उसकी। और ट्राई किया कौन से उसमें कॉन्टेक्ट है, किसी का फोन आ जाए उसमें और हम उसे बताएं। वो शायद कोई ब्यूटी पार्लर वाली औरत थी, उसका कोई कस्टमर का फोन आया। हमने कहा कि हम ऐसे ऐसे पहाड़ के ऊपर थे, तेरी मालकी, तेरा जो जिसके पास तूने ये मुँह चमकाने जाना है वो कहीं और है, उसको बता ये फोन मेरे पास है। और जब मैं गाड़ी में नीचे आ रहा था तो वो लेडी हैरान थी बिल्कुल, और हैरान होकर हमारी तरफ देख रही थी कि इन्होंने फोन क्यों वापस कर दिया। मैंने कहा तेरे फोन के चक्कर में
जो खुदा ने मेरा करोड़ों अरबों रखा है, मैं वो नहीं गवा सकता। आमीन। अगर आपका विवेक निर्बल है तो प्रभु आपसे अगर बात करे तो सुनेगी नहीं, अगर मरा हुआ है तो बिल्कुल नहीं सुनेगी, अगर निर्बल है तो कंफ्यूजन होगी, अगर मजबूत विवेक के मालिक हो आप तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको सुनेगा। लिखा जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जवान को ही क्यों ज्ञान मिले, बुढ़े को क्यों नहीं? हाँ, पढ़ेंगे दोबारा क्या लिखा उसमें। कहता भोलों को चतुराई, चार आयत में, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो भोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जवान को ही ज्ञान क्यों मिले, बुढ़े को क्यों नहीं? हर बंदे को ज्ञान की जरूरत है, आप समझ रहे कि नहीं? जवान को ही क्यों, बुढ़े को क्यों नहीं, बुजुर्ग को क्यों नहीं? क्योंकि आप जब बनाए जाते हो अपनी लाइफ में, अगर आज आप आईएएस अफसर हो तो उसकी उम्र की सीमा थी। आप 45 साल के हो गए, अगर आप सोचे मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं तो आप नहीं बन सकते। हाँ, हाँ या ना? अगर आप 50 साल के बाद सोचो कि मैं सरकारी जॉब में चला जाऊं, आप नहीं जा सकते, उसकी उम्र की सीमा है। हाँ या ना? तो जवान को ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? ये वो ज्ञान नहीं जो एबीसीडी वाला, ये वो ज्ञान है जो ज्ञान का वरदान पहला कुरंथिया 14 बाप में लिखा कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, किसी को आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, ये ज्ञान है। सुनो, जवान को ज्ञान क्यों मिले? क्योंकि जवान ने अभी बनना है। ज्ञान कौन सा? जो यहोवा डायरेक्ट आपको ऊपर से दे आपकी लाइफ के लिए, उसको ज्ञान बोलते हैं। आप जो ज्ञान समझ रहे हो वो ज्ञान नहीं जो आप बाइबल से या आप किसी पुस्तक से या किसी शारीरिक नॉलेज से पढ़ के लेते हो, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो ज्ञान है जो आपको प्रोफेटिकली मिलता है। हाँ, कि फलानी फलानी बहन की यूट्रस की रसौली निकल रही और वो निकलती, ये ज्ञान है हेवनली, इसे गिफ्ट ऑफ नॉलेज बोलते हैं। ये प्रोफेसी नहीं, प्रोफेसी और ज्ञान के वरदान में थोड़ा सा ही फर्क है और ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। जवान को ज्ञान क्यों मिले? क्योंकि जवान बंदा अपने कैरियर को बनाने की तरफ लगा हुआ है, वो कैरियर जो यहोवा ने उसके लिए अभिषिक्त किया हुआ। अब एक जवान जो व्यभिचार में है, उसको ये ज्ञान कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि नीति वचन को पढ़ने वाला ज्ञान पाता है। और नीति वचन में लिखा, हे मेरे भाई, तू ऐसी स्त्री की डगर पे मत जाना जो व्यभिचार में हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता तू अपने छाती के ऊपर अंगारे रख ले और तू जले ना। लिखा ऐसे व्यक्ति जो व्यभिचार करें उनकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, उन्हें अपमानित होना पड़ेगा, उन्हें घायल होना पड़ेगा, उनकी बेइज्जती कभी ना मिटाई जाएगी जो हो जाएगी दुनिया के ऊपर। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप व्यभिचार में हो और आपको यहोवा का ज्ञान मिले? इसलिए आप एक काम खोलते हो, वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो शारीरिक ज्ञान से खुला हुआ है। अच्छा, ये एरिया में बुटीक बड़ा अच्छा चलता है पर चला नहीं। अरे खामरा में चर्च ओपन कर रहा है, अरे यार बेवकूफ है तू, एक भी दो चार क्रिश्चियन फैमिली तो वहां पे हो, वहां पे तो 10 क्रिश्चियन नहीं है, कहां खोल रहा है? शहर के इतने दूर खोल रहे। हेवनली ज्ञान प्रभु आपसे क्या कह रहे, मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं? और ये एक दिन में नहीं होगा कि आप एक दिन नीति वचन पढ़े और सुबह उठ के देखे प्रभु ने आज बात नहीं की, ये रोज का प्रोसेस है, ये लंबा वॉक है। आप प्रभु के साथ चलते हैं होलीनेस में, सिद्ध होते हुए परमेश्वर को अपने आप को जांचते परखते आगे बढ़ते, निराशा में भी आप चर्च में बैठे, दुखी होकर भी बैठे, निराश होकर भी बैठे, आप नीति वचन वचनों को पढ़ने वाले। तो लिखा इनके द्वारा पढ़ने वाला ज्ञान पाएगा और विवेक पाएगा। अब आपको ज्ञान है, आपको मालूम है मैंने क्या करना है, पर विवेक नहीं, किसी काम का नहीं। विवेक है अंदर, अच्छा विवेक है, पर ज्ञान नहीं, वो किसी काम का नहीं। आप स्वर्ग चले जाओगे उस विवेक के कारण, पर असफल होकर धरती के ऊपर स्वर्ग जाओ।
धरती के ऊपर सफल रहना और स्वर्ग में भी सफल रहना, इसके लिए आपको ज्ञान भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। हालेलुया। और ज्ञान आपको मिलता है जब आप वर्ड पढ़ते हैं, आपको हेवनली ज्ञान मिलता है, हेवनली बुद्धि मिलती है, आपको मालूम है कौन सा वचन कहां बोलना है। जब आप फंसते हो, शैतान फंसाता है, लोग फंसाते हैं, आपको मालूम है कहां क्या बोलना है। यह बुद्धि का वरदान है, उन लोगों में काम करता है जो बाइबल को बहुतायत से पढ़ते हैं। बिना बाइबल पढ़े बुद्धि का वरदान, जो आत्मा का पहला वरदान है, आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से ये बातें इनफ हैं आपको बाइबल पढ़ने के लगाने के लिए, आपको बाइबल पढ़ने के लिए लगाने के लिए ये बाइबल, ये आज की बातें इनफ है, ज्यादा है, ज्यादा से भी। कि अगर ये वर्ड ही नहीं है, ना ज्ञान है, ना विवेक है, ना चतुराई है, ना बुद्धि है, तो काहे का क्रिश्चियन हूं फिर मैं? कि ना मालूम है करना क्या है, ना मालूम है जाना कहां है, ना मालूम है क्या कहना है। बुद्धि से आप कहते हो, ज्ञान से आप चलते हो, विवेक से आप ठहरते हो परमेश्वर में। आमीन। और एक सिंपल सी बात लिखी है नीति वचन में कि इनको जो पढ़ेगा ये सब चीजें हासिल करेगा। और अब नीति वचन कैसे पढ़े? बड़ी बाइबल ही नहीं है हमारे पास, छोटी बाइबल लेके बैठे हैं। नया नियम क्यों नहीं है बाइबल बड़ी जी? ली नहीं जी, वो तो 200 रुपए की आती है। अच्छा, सूट कितने का डाला है? 600 रुपए का। किराया कितना लगा के आए हो? 250 रुपए। कहां बुद्धि गई हमारी? महीने में कितनी बार चिकन खाया है? हां जी 6 बार जी। और भाइयों 2 बार कर लें। बाइबल नहीं है, पर इनको रिश्तेदारों की शादियों में देखो, बेस्ट सूट है इनके पास। चाहे नौकरी छोटी सी की ना हो, किराए की गाड़ी लेके जानी है पूरी चमका के, पर बाइबल नहीं है, कहां जाएंगे? ना बुद्धि है कि कौन सा वर्ड कहां बोलना है, ना ज्ञान है कि मैंने करना क्या है, ना विवेक है जिससे कारण मैं कहीं का नहीं। अगर ये चीजें हैं तो आप सफल हैं। लूट पाके जैसे हर्षित होता कोई, आप आनंदित रहेंगे अंदर से। अपनी ब्लेसिंग्स को गिन गिन के ही आप आनंदित रहेंगे। आपके आसपास जो प्रभु कर रहे हैं आप उसी को देख के आनंदित रहेंगे। जब वर्ड आपको समझ में आ जाता है कि ये वर्ड जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, ये वचन जो मैं समझ रहा हूं, जो वचन के अंदर बातें लिखी हैं, अगर आपके ऊपर हफ्ते में 1 या 2 बार रुमाल से प्रेयर होती, आप नहीं जानते कितनी बार वो मेरी प्रेयर के नीचे से निकलता है। मेरा प्रेयर पॉइंट है वो, क्योंकि अगर आपको बिब्लिकली समझ आ गई जो आप कर रहे हो, लोग भी ब्लेस होंगे, आप भी ब्लेस हो। आमीन। मेरी लाइफ में मेरी ये प्रेयर थी कि परमेश्वर, मेरे व्हाट्सएप पे लिखा है, गॉड विल सब्ट्रैक्ट बैड वंस एंड ऐड गुड वंस, कि प्रभु गलत लोगों को निकालेगा, सही को लेके आएगा। ये मेरे व्हाट्सएप पे लिखा है, बैड पीपल कैच फायर। हाँ, ये मेरे व्हाट्सएप पे लिखा है। और इसके लिए ये मेरा प्रेयर पॉइंट था पिछले काफी दिनों से, और मैं आपको दिखाऊंगा इसी बाइबल के अंदर वो मेरा प्रेयर पॉइंट, मेरा प्रेयर पॉइंट है वो। देना मेरी बाइबल ब्लैक वाली, पुलपट पेज, पुलपट वाली। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप जब समझ जाते हैं परमेश्वर कैसे कार्य करता है आपकी लाइफ। हाँ, किसकी बाइबल बहुत साफ है, बड़ी साफ सुथरी रखते हैं बाइबल। शक्लें देख लो जिनकी बाइबल साफ है, ये पढ़ते नहीं सिर्फ रखते हैं। जो पढ़ता है उसकी बाइबल साफ नहीं हो सकती। हालेलुया।
ऐसे साल ऐसे महीने रहे मेरे लाइफ में, मैंने इतनी बाइबल गिफ्ट किए, इतनी बाइबल्स गिफ्ट किए, हर तरह की बाइबल मेरे पास थी और आज भी है, चाहे मेरी फेवरेट दो ही हो। अगर आप वर्ड से प्यार नहीं करते हो, आप बहुत सारी चीजों को देख ही नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। मैंने भी एक लाइन बताई है, बुद्धिमान बुद्धि मिले, ज्ञान मिले और विवेक मिले, तीनों में आपकी लाइफ सॉल्व हो जाती है, होती कि नहीं होती। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया। अगर आप मेरे प्रेयर पॉइंट्स को देखो जो मैंने लिखे, सिर्फ थोड़ा सा ही दिखाएंगे आपको, ये मेरे प्रेयर पॉइंट है बाइबल के पीछे लिखे। हाँ, मुझे बता आप कैसे पढ़ोगे इसको, इसको निकालोगे, स्टिल करोगे, जूम कर करके देखोगे। हाँ, ये व्हाट्सएप जनरेशन है ये। मैं आपको बुक दूंगा इसकी जल्दी, वेरी सून। और मैंने अपने लोगों को बताया, अपने आसपास के लोगों को, कि तुम तैयार रहोगे, क्योंकि जो बुक मैं तुम्हें दूंगा और जो प्रेयर तुम उस बुक से करोगे, तुम्हारी 10 साल की और वो 1 साल की एक बराबर होगी, गारंटी देता हूं। तुम्हारी 10 साल की और बुक से वो 1 साल की प्रेयर, गारंटी देता हूं, रिजल्ट वाली होगी। हालेलुया। वर्ड को जब आप समझ जाते हो, वचन को समझ जाते हो और पढ़ते हो उसको, फिर आप विवेक को निर्बल नहीं होने देते हो, ज्ञान को प्राप्त करते हो, वचन में जाते हो, बुरी संगतियों से आप दूर रहते हो। कहता मैं, मेरी शादी हुई, मैं उसको परखने, मैं उसको अपनी वाइफ के पास, कोई कहता मैं बैल है उन्हें परखने जाता हूं, कोई कहता मैंने नई जमीन ली, जमीन मतलब लोकेशन, आपकी लोकेशन, जमीन मतलब गलत लोकेशन पे चला गया वो और राइट पर्सन को मिस कर गया। आप गलत लोकेशन के ऊपर हो तभी प्रभु आपको छू नहीं सकता। आपको विश्वास हो लेकिन जब तक आप प्रभु की हुजूरी में नहीं आते हो, आपको प्रभु छूता नहीं। लोकेशन दो तरह की, एक आत्मिक एक शारीरिक। अंधा उस समय सिर्फ आत्मिक सही लोकेशन पे नहीं था कि अगर यीशु मसीह आए तो मैं छू लूंगा, प्रभु के पीछे दौड़ूंगा, चंगा होऊंगा। वो शारीरिक लोकेशन भी था कि जहां यीशु मसीह निकल रहे थे उस सड़क के पास बैठा था, जहां से उसकी आवाज प्रभु को सुन रही थी। सही जगह बैठे होना, सही जीवित चर्च में बैठे होना और सही माइंड सेट के साथ बैठे होना आपको फ्री करता है। कहता मैंने जमीन मोल ली। जमीन मोल लेने का मतलब अब वो अपने किंग से हटके उस जमीन को देखने जा रहा है, उसकी लोकेशन चेंज हो गई। लोकेशन जब गलत होती है आपको ग्रेस नहीं मिलती, आप ग्रेस से बाहर आ जाते हो। राइट लोकेशन होना शारीरिक, संडे चर्च में, आत्मिक कि बैठा हूं इस कारण नहीं कि अगर आज 1 लाख मिरेकल हुए तो मेरा होना चाहिए, इसलिए कि अगर उनकी लाइफ में हो सकता है इसका मतलब यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और बस इतना काफी है मेरे लिए कि वो जीवित परमेश्वर है। काफी है, ये काफी है, वो जीवित है, मेरा हल करेगा वो। मैं प्रेशर नहीं डालूंगा उस पर कि नहीं जब मेरा नहीं ना होया तो मेनू भावे पूरी दुनिया कह दे, मैं नहीं हूं मनना,
तो तेरे अगर तू स्वर्ग में ना गया तो कौन सा वहां मिस हो जाएगा कुछ, या कौन सा स्वर्ग ऐसे ऐसे करने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं देखी जब मैं ना होया तो देखी ऐ करने डोल जाने हैं सारे, वो चारे निकलते थे ऐ भी नहीं होता और खड़ा हो जाता बंदा। कितने समझ रहे हैं? हाँ, आप नहीं जाओगे स्वर्ग तो वो ऐ नहीं करने वाला, आपकी मर्जी है जाना कि नहीं। हालेलुया। ये मिरेकल्स आपको फाइन करते हैं स्पिरिट में कि परमेश्वर अगर उनकी लाइफ में ऐसा कर सकता है, मेरी लाइफ में कर सकता है। और मैं इन वचनों के ऊपर चलूंगा, वर्ड के ऊपर चलूंगा, मैं राइट लोकेशन पे हूंगा, आत्मिक शारीरिक। हालेलुया। बैलों वाला मैं अगले हफ्ते आपको बताऊंगा, इस वचन के तीन पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बैल को परखने का मतलब क्या है। जगह का मतलब है लोकेशन, जमीन का मतलब है लोकेशन, आपकी शारीरिक और आत्मिक लोकेशन सही होनी चाहिए। मैरिज का मतलब रिलेशनशिप्स, आपके जो संबंध है जिन भी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उन लोगों के साथ होने चाहिए कि आप उनसे उठ के जब वापिस आए तो गैर भाषा बोलते हुए आए। आमीन। कुछ लोगों से उठ के आए तो सीखते हुए आए, उनसे चुगलियां सुन के नहीं, विरोध सुन के नहीं, गलत बातें सुन के नहीं, ठट्ठा सुन के नहीं। आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे, अगर उनके पास आप बैठ जाओ तो ठट्ठा करते हैं वो। हाँ, वो फलाना टमकाना, मुंडिया दिया गल्ला, कुड़ियां दिया गल्ला, ओ दिया गल्ला। ऐसे लोग हमेशा फेल होंगे अपनी लाइफ में, आप देख लेना, चेक कर। इतना स्ट्रगल करते हैं वो अपनी लाइफ में, इतने फेल रहते हैं वो, क्यों? ठट्ठा करने वाला कभी भी प्रभु के करीब नहीं जा सकता। हंसना जरूरी है लेकिन किस बात पे हंसा जाए? हंसना औषधि है, हंसना दवाई है। बाइबल कहती मन का टूटना हड्डियों को जला देता है, मन का निराश होना हड्डियों को साड़ देता है, उसको सड़ाहट का कारण बनता है। मन का आनंद अच्छी औषधि है लेकिन किस बात पे आनंदित रहना है ये भी डिसाइड हमने करना। हालेलुया। लेकिन वो ठट्ठा किए जाने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि जहां बहुत बातें होती हैं वहां बहुत अपराध भी होता है। हालेलुया। और ये बातें बाइबल में लिखी हैं, जब आप जाएंगे इसमें आप पढ़ेंगे। मुझे आज भी याद है कि आपको तो शरेआम इतना वचन मिलता है, आज गूगल से भी मिलते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था तो इंटरनेट इतना नहीं था, तब था बहुत कम, और इतना वचन कोई बताता नहीं था, और पूछ पूछ के वचन लेना पड़ता था, खोज खोज के वचन लेना पड़ता था। और मुझे एक बात मालूम हुई थी कि अगर तू अपनी लाइफ में 6 साल का रिजल्ट 6 महीने में लेना चाहता है तो पहली बात अपनी प्रार्थना का समय एक रखना, प्रार्थना इधर उधर मत करना, आज की कल नहीं की। दूसरा, कभी कुड़कुड़ाना ना प्रभु के खिलाफ कुछ भी तेरी जिंदगी में हो जाए। तीसरा, कभी ठट्ठा करने वालों के संग मत बैठना, और कभी गंदा मजाक मत करना। ये मुझे बताई गई थी बातें, क्योंकि तब क्या होता था, 2 घंटे प्रेयर की, सब लड़के बैठ गए, उधर की बात, उधर की, उधर दिया गल्ला, गंदियां भी गल्ला, दूजियां गल्ला, सारियां गल्ला कर हंसी जाना जोर जोर। बाद च कहना यार खाली खाली क्यों लगता, आप इन्नी प्रेयर कर दे ते भरना सुहा अंदर, छेके मार मार ते खाली करता आप सारा। कितने समझ रहे हैं? और जब संगति से मैं अलग हुआ उस संगति से, और मालूम हुआ कि नहीं मुझे गंदा मजाक नहीं करना। कई बार हम कॉमेडी शो छोड़ देते हैं, उसे देखते नहीं, चाहे जो मर्जी आया हो उसमें, व्यभिचार की बातों के कारण, अडल्ट जोक्स के कारण। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये सख्त वचन है पर आपको बिल्ड करेगा, ये बनाएगा आप। और डरना मत इस वचन पे चल के, अगर 6 साल भी रिजल्ट ना आए तो डरना मत, आएगा रिजल्ट, कहीं जाने वाला नहीं, कहीं नहीं जाने वाला, आने वाला। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लाए, अंधकार की शक्तियां चुरा ना सके इस वचन को। ऊंची आवाज में
ऊंची 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 आवाज में ऊंची 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 आवाज में हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु आपको हेल्पर्स देने जा रहा है, आप देखना। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। आपने सब पॉइंट्स लिखे कि नहीं? सबब उपदेशक 11 उसकी 7, सबब उपदेशक 2 उसकी 13। आप इसे घर जाके पढ़ेंगे तो मिथ्यूस को आप घर जाके पढ़ेंगे। आमीन। आप रोज बाइबल पढ़ेंगे कि नहीं? अब आपको मालूम हो गया इसका महत्व क्या है। आमीन। व्यवस्था विवरण 12 उसकी 17 से लेके 19, 5 से लेके 14, उसमें लिखा, किंतु वो स्थान जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे गोत्रों में से चुन ले, जहां वो अपना नाम बनाए रखे, तुम उस निवास स्थान के पास जाया करना। तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशमांश, उठाई भेंटे, मन्नत की वस्तुएं, स्वेच्छा बलि, गाय बैल, भेड़ बकरियों और पहलोठों को लेके जाया करना। वहीं तुम अपने परमेश्वर के सामने भोजन करना और उन सब वस्तुओं के ऊपर अपने घराने समेत जिन पर तुमने हाथ लगाया हो, तुम्हें परमेश्वर यहोवा की आशीष जिन पे मिली हो, तुम उसके साथ आनंद करना। जैसा हम आजकल यहां जो सब काम जिसको जो भाता है वही करते, कहता तुम वैसा मत करना। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यर्दन पार उस देश में जिसके भागी यहोवा परमेश्वर तुम्हें करने जा रहा है, तुम बस जाओ और वह तुम्हें चारों ओर की वस्तुओं से विश्राम दे, तुम निडर रहने पाओ। और जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें तुम अपनी होम बलि, मेल बलि, दशमांश, उठाई भेंटे, मन्नतों की सब उत्तम वस्तुएं जो यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं, उन सबों को वहीं ले जाया करना। वहां तुम अपने अपने बेटे, बेटियों, दास, दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना। जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में हो वो भी आनंद करें, क्योंकि तुम्हारे संग उनका कोई भी निज भाग या अंश ना होगा। सावधान रहना, तो अपनी मेल बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। जिस स्थान को यहोवा चुने, अपनी होम बलियों को वहीं चढ़ाना। जिस जिस काम क्या क्या मैं तुमको सुनाता हूं, तुम वही करना। सब बोलो आमीन। 17 आयत में लिखा, अपने अन्न, अपने नए दाख मधु, पहलोठे की मन्नते, तेल, दशमांश, सब कुछ, अपनी स्वेच्छा बलि, उठाई हुई भेंटे अपनी फाटकों के भीतर मत रखना। उसको उस स्थान के सामने
उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों को लेवीय जो तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना, और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिन पे हाथ लगाया हो तू आनंद करना। सावधान रहना, जब तक भूमि पर तू जीवित रहे लेवियों को ना छोड़ना। सब बोलो आमीन। दूसरा कुरंथिया 11, मैं आपको वो वर्ड दे रहा हूं, इसको मैं समझाऊंगा, जो आपकी क्रिश्चियन लाइफ के लिए जरूरी है। ये पिछले हफ्ते का सेकंड पार्ट है और ये तीन पार्ट में होगा और अगले संडे इसका फाइनल पार्ट होगा। दूसरा कुरंथिया 11 उसकी 7 से लेके 12 आयत तक, ये आप पढ़ेंगे इसको। और 9 की, दूसरा कुरंथिया 9 की 6 से 8, 9 की 11 और 9 की 12, इसको भी मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। उसमें लिखा, क्योंकि मैंने तुम्हारे मन की तैयारी से जान गया हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदुनिया निवासियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखिया के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने औरों को भी उभारा है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को इस वचन को सुनने से पहले। आमीन। फिर 6 आयत में लिखा, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आगे लिखा 11 आयत में, क्योंकि हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है तुम धनवान किए जाओ। 12 आयत में लिखा, क्योंकि सेवा के पूरे होने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती परंतु परमेश्वर की ओर से, लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। सब बोलो आमीन। इसमें पौलुस एक कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम्हारे बोने से, आप एक बात को समझो ध्यान से, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब खांबरा कलीसिया में बीज लेना शुरू किया था मैंने कहा था ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, उसको देख के हजारों लोगों ने बीज लिया अपनी अपनी चर्चों में, उसके कारण लाखों लोग ब्लेस हुए बीज के कारण, लाखों लोग। आज आप देख लो कलीसियाओं में पहले लोग बोते नहीं थे, उनको टाइथ के लिए भी समझाना पड़ता था, आज लोग टाइथ भी बोते हैं और स्पेशल बीज भी बोते हैं। सिर्फ इसी कलीसिया में नहीं, दूसरी कलीसियाएं भी उभरी हैं इन बातों से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोगों को डर लगता था पहले बोलने में, पास्टर्स को डर लगता था लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोग जो है वो अपने लिए दे रहे हैं, प्रभु के लिए दे रहे हैं, मैं लोगों से तनख्वाह नहीं ले रहा हूं, मैं संडे जो भी कमाता हूं वो भी मैं चर्च में देता हूं, आजकल काम चल रहा है चर्च, क्योंकि मैं बीज की महत्वता को समझता हूं। अगर आपका सेक्रीफाइस, आपका बीज ऐसा नहीं है जो एक खून निकाल दे आपका, तो वो सेक्रीफाइस, ओरिजिनल सेक्रीफाइस नहीं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बीज बोए हैं जिन्होंने ब्लीडिंग दी है हमें, और उसी सेक्रीफाइस की वजह से आज आप हजारों लोग बाहर ओवरफ्लो सेक्शंस में बैठे हो, आप बैठे हो, और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। मैं बात कर रहा था अपनी टीम से कि जो भवन बन रहा है हमारा प्रभु का, वो ऐसी चीज है कि जो देखी नहीं होगी किसी ने पहले। और मैंने कहा कि ये काम जो है ये चर्च का काम ही नहीं, चर्च इतना बड़ा भवन बना ही नहीं सकती, इतना करोड़ों का काम नहीं कर सकती। परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ
और उसने आपके मनों को तैयार किया, इसलिए वो काम हो रहा है। और देखो क्या कहता है पौलुस, कहता जो तुमने काम किया है ना तुम्हारे मन की तैयारी से, कहता तुम्हारे उत्साह ने दूसरों को उभारा है। अगर आज खंबरा कलीसिया आशीषित है तो मैं आपको दावा करता हूं पंजाब में और दुनिया में हजारों यूथ अपनी सेवा के लिए खड़ा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्यों? अगर पहले किसी को बोलते थे ना, अच्छा बेटा तेरे पास्टर के साथ मैरिज कर दे, बोलते थे नो, पास्टर के साथ कभी मैरिज नहीं करनी, क्योंकि पास्टर का मतलब होता था फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग पीपल, बच्चे की फीस नहीं है, चर्च नहीं बना, जमीन नहीं है, साउंड नहीं, कुछ नहीं है अपना अपने पास। आज किसी से बोलो अच्छा पास्टर से मैरिज करनी है, अच्छा चले चूठी जान के कर दिए ना तू, चुड़ानी ना, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि पास्टर के साथ मैरिज हो गई तो ब्लेस हो गए। चेंज कर दिया परमेश्वर ने पंजाब का माहौल, आमीन। और सुनो, कहता कलीसिया सिर्फ अपने लिए ही आशीषित नहीं हुई। अगर आज आपने टेस्टिमनी सुनी होगी कि परमेश्वर हमने बोया और इतने सालों का कर्ज खत्म हुआ, कोई कहता 26 साल का कर्ज था हमारी फैमिली के ऊपर, हम अपने घर में 26 साल का कर्ज था हमारे ऊपर, एक गोल्ड की चीज नहीं थी। कहता तुम अपने आप ही ब्लेस नहीं हुए, तुम्हारे कारण दूसरी कलीसियाओं के अंदर भी उत्साह आया बोने का। अगर आज कोई इस वचन को सुनेगा या आज कोई गवाहियां सुनेगा, खंबरा चर्च में टेस्टिमनी हुई कि परमेश्वर के एक बंदे ने बोया और अपनी घटी में बोया और परमेश्वर ने उसके 48 साल के कर्ज को खत्म करके अपना मकान उसे दिया, तो वो हमारी चर्च थोड़ी आता है, वो अपनी चर्च में बोएगा कि नहीं बोएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कहता तुम्हारे लोगों की वजह से दूसरी चर्च की उन्नति हुई, कहता तुम्हारे उत्साह ने दूसरे लोगों को उभारा है, कहता जो तुमने दिया, कहता हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हारे लिए जरूरी होगा तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम बोने वाले व्यक्ति हो, कहता हर टाइम, बोलो हर टाइम, हर समय, हर जगह, हर बात में, आप समझ रहे कि नहीं? कहता हर बात में, तुम्हारी मैरिज हो, तुम्हारा बिजनेस हो, तुम्हारा जीवन हो, कहता हर बात में, हर समय और सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, कहता तुम्हारे पास अवेलेबल होगा अगर तुम बोने वाले व्यक्ति हो तो। मैं आपको गारंटी देता हूं, किसी अविश्वासी को लेके आओ और उसको बोलो कि ये सारे काम करने हैं चर्च के, सब चीजों को लेना है, मेंटेन करना है, एक दिन में 10 गोलियां खाएगा डिस्प्रिन की, और हम एक महीने में एक नहीं खाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप बोने वाले होते हैं तो परमेश्वर आपका इंतजाम करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका हालेलुया ऊंचा चाहिए एक बार। आमीन। 12 आयत में लिखा कहता है इस सेवा के पूरा करने से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद भी होता। आज भी चर्च से मैं नहीं जानता कितनी फैमिलीज है जिनको हेल्प जाती, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने घरों पे राशन जाता है। कहता तुम्हारे बोने से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो रही, कहता और परमेश्वर का धन्यवाद किया जाता है लोगों के द्वारा। अगर आज मैंने साउंड में अपना हिस्सा डाला, आज मेरे घर में टाइथ पड़ा है मेरा मिनिस्ट्री का, अगर आज मैंने हिस्सा डाला हां और परमेश्वर ने मेरे रास्ते को खोला और मैंने साउंड परचेज किया, उस साउंड से किसी ने आवाज सुनी और प्रभु को जीवन दे दिया, तो कहता परमेश्वर किया धन्यवाद किया जाएगा जब तुम बोओगे। जब तुम कहता बोओगे तो परमेश्वर का थैंक्स किया जाएगा और लोग उभारे जाएंगे, तुम भी आशीषित होंगे और दूसरे लोग तुम्हारे उत्साह को देख के आशीषित होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे विश्वास से कि अगर आज आप इस वर्ड को फॉलो करते हो तो ये डोज आपके लिए ओवरडोज है, मोर देन ब्लेस्ड है, मोर देन। जोर से बोलो आमीन।
कहता जो स्थान यहोवा चुने उस स्थान में तो अपने बीजों को लेके जाया करना, और कहता सिर्फ वही लोग आशीषित नहीं होंगे जो बोएंगे, उनके द्वारा दूसरे लोग उभारे जाएंगे। आप सचमुच आशीषित हो, आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। आप जानते लोग वेट करते हैं कब मेरे रास्ते खुलेंगे, कब मेरा रास्ता खुलेगा, कब मेरा रास्ता खुलेगा। और बोलो, पूछो उनसे, कभी बीज बोया? आपका बीज आपकी औकात से आपको ऊपर खड़ा कर देता, आपकी प्रोफेटिक वर्ड के ऊपर आपका बीज उसकी डेट डिसाइड करता। हालेलुया। और आप वेट करते जाओगे, इंतजार करते जाओगे, और कुछ नहीं होगा जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे उसके ऊपर। मेरा बिलीव है आज के बाद आप बाइबल पढ़ेंगे, अच्छी संगति रखेंगे, सही लोकेशन रखेंगे, आप बोएंगे। आमीन ऊंचा।